की कि इस सीरीज के कितने टर्म लें ताकि जो जिनका सम आए टोटल वो सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स के कॉल है ठीक है सो जनरल फॉर्म होता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा सम का एन अपन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी ठीक है ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्म्स ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ठीक है सो सम चाहिए सिक्स थ्री सिक्स तो यहाँ पर रख दो सिक्स थ्री सिक्स एन निकालना है हमको कितने नंबर ऑफ टर्म्स ले ताकि सम इतना आ जाए मेरा ए होता है फर्स्ट टर्म यानी नाइन सो टू इंटू नाइन प्लस एन माइनस वन अब डी होता है कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म तो सेवनटीन माइनस नाइन मेरा कितना एट आएगा ठीक है सो so डी मेरा एट आ गया और या फिर ट्वेंटी फाइव माइनस सेवनटीन वो भी एट ही आएगा ठीक है सो सिक्स थ्री सिक्स इजी क्वेश्चन एन अपॉन टू अब यहाँ से सॉल्व करके एन के लिए बतानी है तो टू इंटू नाइन एटीन प्लस इधर उधर एट एन माइनस एट हो गया ठीक है सो सिक्स थ्री सिक्स एन बाई टू इधर कितना मिल गया एट एन प्लस टेन मिल गया ठीक है एटीन माइनस एटीस टेन वगैरह ठीक है तो सिक्स थ्री सिक्स ठीक है अब यहाँ पर टू कॉमन ले लेंगे और डिवाइड इसे कर देंगे कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा फोर एन प्लस फाइव ठीक है सो so, मल्टीप्लाई करो अब so, सो इधर उठेगा फोर एन स्क्वेयर प्लस फाइव एन सिक्स थ्री सिक्स तो ये क्वालिटी की क्वेश्चन बन गई हमारी ठीक है तो ऐसे एन की दो वैल्यू आएंगी हम माइनस सिक्स थ्री सिक्स जीरो तो इसको सोल्व करेंगे ठीक है बाई यूजिंग क्वारिटिक फॉमूला तो क्वारिटिक फॉमूला होता है हमारा तो एन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए ठीक है वेयर डी इजिकल्स टू बी स्क्र माइनस फोर ए सी ये होता है हमारा क्वारिटिक फॉर्मूला ठीक है बी होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एन हो जाएगा ए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर एन सी हो जाएगा ये कॉन्स्टेंट ठीक है सो एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी यानी माइनस फाइव ठीक है प्लस माइनस ऑफ रूट डी अब डी ए बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी बी स्क्वाइट फाइव का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए फोर है एंड सी माइनस सिक्स थ्री सिक्स है डिवाइड बाई टू ए ए कितना है फोर देखो अब एन के लिए सोल्व करके कितनी आ रही है माइनस फाइव प्लस माइनस ऑफ, इधर कितना मिल रहा है मुझे सोल्व करके वन जीरो टू जीरो वन मिलेगा ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अब इधर माइनस और माइनस है ना तो प्लस हो जाएंगे वो तो सिक्सटीन इंटू थ्री सिक्स थ्री सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव सॉल्व करके वन जीरो टू जीरो वन मिलेगा अपॉन एट हो जाएगा फोर इंटू टू एट हो जाएगा ठीक है अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है 10, 201, 5, plus, plus, minus, ये वन जीरो टू जीरो वन माइनस फाइव प्लस प्लस माइनस ये वन ज़ीरो वन का होता है ठीक है अपॉन एट सो इधर से दो वैल्यू मिलेंगी देखो एन की एक एन हो जाएगा कितना माइनस फाइव प्लस वन ज़ीरो वन अपॉन एट और एक एन की वैल्यू उठाएंगी माइनस फाइव माइनस वन जीरो वन अपॉन एट ठीक है दो वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि बीच में प्लस माइनस था तो यहाँ से कितना आ जाएगा नाइन्टी सिक्स अपॉन एट ठीक है 8, और यहाँ से कितना आ रहा है एन इजिक्वल टू माइनस वन जीरो सिक्स अपॉन एट तो एन की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके ट्वेल्व आ रही है ठीक है अब यहाँ तो एन तो नेगेटिव हो गया देखो अब एन का भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये तो हम निगलेक्ट कर देंगे सॉरी वैल्यू को सो तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी ट्वेल्व इसको हम ले, ले लेंगे ठीक है सो ये येगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर तो इसने क्या पूछा था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स ये ताकि सब मेरा 6636 इक्वल है सो so टोटल 12 टर्म्स सीएम मेरे सीक्वेंस के अंदर ओके थैंक यू फ्रेंड्स क्लास 6 से 12th तक अगेन नीड आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर